या हम लोग तो विरोध करते हैं, जब तक सदन में नो कॉन्फिडेंस मोशन की चर्चा शुरू हो तो हम बात रखने का मौका नहीं मिलते। हमारा मांग ही था कि ऐसा एक चर्चा हो कि प्रधानमंत्री खुद आए, या तो शुरू करने की समय हम लोग कहे थे कि प्रधानमंत्री आके बयान दे कोई भी समय, और उसके बाद हम तुरंत इस चर्चा शुरू कर दे। लेकिन प्रधानमंत्री पता नहीं कि क्यों इतने आरे हुए हैं, इसलिए मजबूरन हमें ये नो कॉन्फिडेंस मोशन मतलब अनास्था प्रस्ताव हमें लाना पड़ा, अविश्वास प्रस्ताव हमें लाना पड़ा। ये मजबूरी हमारी, हम जानते हैं कि ये अविश्वास प्रस्ताव के चलते मोदी सरकार नहीं गिरेगी, लेकिन बात यह कि और तो कोई हमारे चारा नहीं है, कोई रास्ता नहीं है हमारे, इसलिए ये मजबूरन हमें ये रास्ता अपनाने पड़े, क्योंकि देश के सामने देश की प्रधानमंत्री आके मणिपुर के और साथ साथ देश के आम लोगों को कोई शांति की वार्ता दे। इंडिया अलायंस के तमाम साथी सांसद हैं, उन सब ने ये फैसला लिया है कि मणिपुर के लोगों के साथ जो अत्याचार हो रहा है और वहाँ पे जो बर्बरता भरा हैवानियत भरी घटनाएं घट रही हैं, उसके विरोध में हम लोग आज काले वस्त्र पहन के, ब्लैक ड्रेसेस पहन के आज सदन के भीतर जाएंगे, पार्लियामेंट में जाएंगे, और एक प्रकार से सिंबॉलिक प्रोटेस्ट कर ये मैसेज देंगे कि हम मणिपुर के लोगों के साथ खड़े हैं, इस दुख की घड़ी में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, और प्रयास करेंगे कि सरकार को इस बात का एहसास दिलाया जाए कि हमारे देश का एक महत्वपूर्ण राज्य, हमारा एक सूबा मणिपुर जल रहा है, पिछले 80-82 दिन से जल रहा है। सरकार से विनती है कि बचा लो मणिपुर को, अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियां निभाओ, अनुच्छेद 355 और अनुच्छेद 356 का पालन करते हुए मणिपुर में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि शांति भाईचारा बहाल करे, और आज की जो वहाँ सरकार है उस सरकार को बर्खास्त करें, मुख्यमंत्री को अनसेरेमोनियसली सैक करें। देखिए, ये प्रधानमंत्री की संवेदनहीनता को दर्शाता है कि देश का एक हिस्सा जल रहा है, वहाँ बलात्कार की, लूट की, आगजनी की घटनाएं हो रही हैं, हत्याएं हो रही हैं, दरिंदगी और हैवानियत हो रही है, और अभी भी हमारे प्रधानमंत्री को 2024 में कैसे वापस आएंगे इसकी चिंता सता रही है। सत्ता की इतनी भूख होना अच्छी बात नहीं है। आपको इस समय सिर्फ और सिर्फ चिंता होनी चाहिए मणिपुर की, वो हमारा बॉर्डर स्टेट है। अगर वहाँ पर आपने शांति की बहाली नहीं की तो देश के एक हिस्से में बर्बादी कायम हो जाएगी, और बर्बादी हो चुकी है। तो उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। यहाँ सदन के अंदर पूरी टीम इंडिया, जो विपक्षी दल है, वो कह रहे हैं कि साहब आइए और सदन में जवाब दीजिए, वो बोलने के लिए तैयार नहीं। एक दिन बोलते हैं तो कहते हैं इंडिया की तुलना वो आतंकवादी संगठन से करते हैं, दूसरे दिन बोलते हैं तो 24 की चिंता उनको सता रही है। क्या हो, क्या गया हमारे प्रधानमंत्री को?